नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। देवकी नंदन ठाकुर हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु। 1997 से ये श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार देवकी नंदन ठाकुर का जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहावा गाँव में हुआ था। कहा जाता है कि मात्र 6 साल की उम्र में वह घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और पैसों के लिए ब्रज की रासलीला संस्थान में हिस्सा लिया। यहां पर वे भगवान कृष्ण और भगवान राम के किरदार का मंचन करते थे। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में ही इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण कंठस्थ कर लिया था। कंठस्थ मतलब याद करके हूबहू किसी को वैसा ही सुना देना। 18 साल की उम्र में दिल्ली के श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के उपदेश लोगों को देने लगे थे। ये अभी तक हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे और हॉलैंड जैसी जगहों पर अपनी कथाएं सुना चुके हैं। इन्होंने विश्व में शांति के लिए सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, यानी ट्रस्ट बनाया। इसी ट्रस्ट के मुताबिक इनको शांति दूत कहा जाता है। इनके विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से क्षेत्र की हवा में खुशी को बनाए रखना है। श्री ब्राह्मण महासंघ ने देवकी नंदन ठाकुर को आचार्येंद्र के पद के साथ सम्मानित भी किया है। देवकी नंदन की कथाओं में बहुत लंबी चौड़ी भीड़ होती है। ये श्री राधा सर्वेश्वर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। 2001 में पहली बार ये देश से बाहर अपनी कथा कहने के लिए गए थे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कथा कह लेते हैं। देश के अंदर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के शब्दों का भी तड़का लगा देते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लग चुका है। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि देवकी नंदन ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही दोनों के साथ मारपीट भी की थी। किसी तरह की भी कानूनी कार्रवाई पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि देवकी नंदन ठाकुर सन्यासी नहीं है, शादीशुदा हैं। कई बार मंचों से ये बात कह चुके हैं कि वो गृहस्थ जीवन को धारण करते हैं। उनकी पत्नी है और एक बेटा भी है। देवकी नंदन ठाकुर का बेटा देवांश ठाकुर भी अपने पिता से प्रभावित होकर इसी लाइन में जाना चाहते हैं, यानी भक्ति की लाइन में। देवकी नंदन अपनी कई कथाओं में देवांश को साथ में बैठाकर भजन और प्रवचन करवाते हैं। साथ ही साथ देवांश का एक यूट्यूब पर देवांश ठाकुर के नाम से चैनल भी है, जिसके 2.25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। वहीं देवकी नंदन की फैन फॉलोइंग की बात करूं तो यूट्यूब पर इनके 35 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पर इनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। देवकी नंदन का वृंदावन में करोड़ों की लागत से कमल के फूल पर बना कृष्ण और राधा का एक विशाल मंदिर भी है, जिसका नाम प्रियाकांत जू है। साथ ही साथ इनके ट्रस्ट के नाम से कई वृद्धाश्रम, अस्पताल और गौशालाएं भी हैं। तो आपका देवकी नंदन के बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।